दोस्तों, इस प्लेनेट को ध्यान से देखो। आपको यह प्लेनेट अर्थ के जैसा दिख रहा होगा, और यह था भी, क्योंकि इस प्लेनेट के पास हर वह चीज थी जो आज अर्थ के पास है। लेकिन फिर इस प्लेनेट के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि इससे इसकी हर चीज छीन गई, और आज यह प्लेनेट कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, हम वीनस की ही बात कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ और वीनस पैदा हुए तो यह दोनों बिल्कुल एक ही जैसे थे। दोनों प्लेनेट साइज में भी एक जितने ही थे, और वीनस के पास भी हर वह चीज थी जो आज अर्थ के पास है। वहां पानी था, एक प्यारा सा एनवायरमेंट था, और शायद लाइफ भी थी। बस ऐसे समझ लो कि वीनस एक जन्नत की तरह था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वीनस से उसकी हर चीज छिन गई, और जो प्लेनेट कभी एक जन्नत था वह आज एक जहन्नुम बनकर रह गया। तो चलो, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करते हैं, और शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ संगीत वीनस। दोस्तों, ये कहानी है आज से 3 बिलियन साल पहले की। ऐसा माना जाता है कि आज से 3 बिलियन साल पहले वीनस कुछ ऐसा दिखता था। वीनस पर भी अर्थ की तरह पानी के बड़े बड़े समंदर थे, और एक प्यारा सा एनवायरमेंट भी था, जहां अगर लाइफ होती भी तो वह बहुत ही आराम से रहती, क्योंकि वीनस के पास हर वो चीज थी जो कि लाइफ को पूरी तरह सपोर्ट करती है। खैर, वीनस कभी लाइफ के लिए एक परफेक्ट जगह जरूर थी, लेकिन आज हम जिस वीनस को जानते हैं उसने बहुत ही भयानक रूप ले रखा है। वहां की गर्मी किसी खोलते हुए लावा के जैसी है, और अब वहां बारिश में पानी नहीं बल्कि तज्जब बरसता है। जहां इंसान तो दूर की बात, बल्कि मशीनस भी पिघल जाएंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वीनस के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि वीनस के सारे समंदर सूख गए, और अब वहां कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। तो आखिर वीनस के साथ क्या हुआ? अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है तो उसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों, सदियों से इंसानों को यही लगता आया था कि वीनस बिल्कुल अर्थ के जैसा है, और वनस पर भी लाइफ है। अब लोग ऐसा क्यों सोचते थे? इसकी कोई तो रीजन होगी ना? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, ये बात है। 761 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिखाइल लोमोनोसोव। वो टेलीस्कोप से वीनस को देख रहे थे। जब वीनस सन के आगे से गुजरा तो उन्होंने देखा कि वीनस के ऊपर एक बाल की जितनी पतली सी लेयर है, और वो लेयर और कुछ नहीं बल्कि एक एटमॉस्फेयर था। जी हां दोस्तों, मिखाइल लोमोनोसोव ने पहली बार वीनस के एटमॉस्फेयर को देखा, और तब से ही लोगों को यही लगने लगा कि वीनस पर भी लाइफ होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, जैसे आज हम लोग मार्स पर घर बनाने का सोचते हैं, तो उस टाइम लोग ये सब वीनस के बारे में सोचते थे। उनको यह उम्मीद थी कि एक दिन वो वीनस पर घर बसाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बात है 20वीं सदी की, क्योंकि 20वीं सदी तक लोगों को यही लगता था कि अगर वो वीनस पर जाएंगे तो उन्हें वहां या तो एलियंस मिलेंगे, या फिर शायद उन्हें वहां डायनासोर्स घूमते दिखाई देंगे, क्योंकि तब तक लोगों के माइंड में यही था कि वीनस बिल्कुल अर्थ के जैसा है। वहां अर्थ की तरह समंदर है, पेड़ पौधे हैं, और हो सकता है कि उन्हें वहां किसी भी स्पेस सूट की जरूरत ना पड़े। और इन सब पर उस टाइम बहुत सारी मूवीज भी बनती थीं जिनमें यही सब दिखाया जाता था कि वीनस पर डायनासोर्स हैं और वहां समंदर भी हैं। खैर दोस्तों, लोगों को वीनस से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी ये उम्मीदें तब टूटी जब वीनस पर पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। दोस्तों, ये बात है 1962 में। पहली बार साइंटिस्ट एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं जिसका नाम था मनर, जिसे वो वीनस पर भेजने का सोचते हैं। तो मनर पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे वीनस पर जाना था। खैर, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मनर को लॉन्च करने का टाइम आया तो लॉन्चिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, और मनर लॉन्च होते ही फट गया। अब ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही अपसेट मोमेंट था, क्योंकि मनर पर उस टाइम टोटल खर्चा $18.5 मिलियन आया था, जो कि आज के जमाने में $150 मिलियन के बराबर बनते हैं। तो बस यूं समझ लो कि $150 मिलियन फट चुके थे। खैर, साइंटिस्ट काफी परेशान हुए, क्योंकि वो अपनी पहली अटेम्प्ट में ही फेल हो चुके थे। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, मनर 1 के बाद मनर 2 को लॉन्च किया गया, जो कि एक फ्लाई बाय मिशन था। इस मिशन में मनर 2 को वीनस के पास से फ्लाई बाय करके जाना था। तो जैसे ही मनर 2 वीनस के पास से गुजरा तो उसने बताया कि वीनस के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और अगर है भी तो वह ना होने के बराबर है।
क्योंकि वह इतनी तली है कि वो वीनस को सोलर विंड से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का 0.0015 पर है, जो कि बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और यही वजह है कि वीनस पर हर टाइम रेडिएशंस की बम्बामेंट होती रहती है। अब यह सब देखकर एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वीनस पर अब हम खुल्लम खुल्ला नहीं घूम सकते, बल्कि हमें वहां एक स्पेस सूट की जरूरत पड़ने वाली है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। मनर 2 ने वीनस के पास से तो फ्लाई बाय कर लिया था, लेकिन वो वीनस के अंदर झांक कर नहीं देख पाए, क्योंकि वीनस के ऊपर बहुत ही घने बादल हैं और वहां एक बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है। एक एस्टीमेट के मुताबिक वीनस का वह एटमॉस्फेयर अर्थ से लगभग 100 गुना ज्यादा है, और इतना मोटा एटमॉस्फेयर किसी भी टेरेस्ट्रे प्लेनेट के पास नहीं है। और अगर आपको टेरेस्ट्रे प्लेनेट का नहीं पता, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लेनेट यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रे प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड सरफेस है। और बाकी बचे आखिरी 4 प्लेनेट यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो उन सबको हम गैस प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है और उन पर लैंड नहीं किया जा सकता, जो कि मैं अपनी वीडियोस में पहले भी काफी बार बता चुका हूं। तो वीनस के पास सभी टेरेस्ट्रे प्लेनेट से ज्यादा मोटा एटमॉस्फेयर है, और यही वजह है कि वीनस के अंदर देख पाना नामुमकिन है। इनफैक्ट वीनस पर इतने घने बादल हैं कि उनके अंदर नहीं देखा जा सकता। इवन कि मैंने चैट जीपीटी पर यह भी पढ़ा है कि अभी तक हम कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं बना पाए जो कि वीनस के उस एटमॉस्फेयर के अंदर झांक कर देख सके। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि वीनस का एटमॉस्फेयर कितना घना होगा। और इस हिसाब से अगर हमें वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर देखना है, तो हमें उसके एटमॉस्फेयर के अंदर लैंड होना पड़ेगा, और ऐसा हम बहुत बार कर भी चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जब अमेरिका चांद पर मिशंस भेजने में लगा था, तब सोवियत यूनियन वीनस को एक्सप्लोर करने में लग गया। सोवियत यूनियन ने वीनस पर लगातार एक के बाद एक वेनेरा मिशंस भेजे, जिनमें बहुत से प्रोब्स को वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर भी भेजा गया। खैर, वेनेरा मिशंस की भी एक लंबी लिस्ट है, जिन पर हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि वीनस पर लैंड होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वीनस पर बहुत ज्यादा गर्मी है, और इतनी कि वो मशीन्स को भी जला देती है। यानी जैसे ही वो प्रोब्स वीनस के अंदर जाते थे, तो वो या तो वीनस के हाई प्रेशर की वजह से फट जाते थे, या फिर वो वीनस के एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से जलकर राख हो जाते थे। और ऐसा क्यों होता था, चलो मैं समझा देता हूँ दोस्तों। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। वैसे तो सूरज के सबसे क्लोज मर्क्यूरी है, लेकिन वीनस मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है, जहां मर्क्यूरी पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं वीनस पर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। मर्क्यूरी तो रात के टाइम ठंडा हो जाता है, लेकिन दोस्तों वीनस कभी भी ठंडा नहीं होता, ये हमेशा गर्म रहता है। और यहाँ इतनी गर्मी है कि वो लेड जैसे मेटल को भी आराम से पिघला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीनस ज्यादा से ज्यादा कितना गर्म हो सकता है, तो दोस्तों इसी चीज को नासा के एक इंजीनियर ने एक एग्जाम्पल से समझाया। उसने एक भट्टी गर्म की, जिसका टेम्परेचर उसने वीनस के टेम्परेचर के जितना ही रखा। उसके बाद उसने एक कैमरा लिया और उस भट्टी के अंदर डाल दिया, यह दिखाने के लिए कि जब भी हम वीनस पर कोई इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या हाल होता है। तो जैसे ही उसने उस कैमरा को भट्टी से बाहर निकाला, तो वह कैमरा बिल्कुल पिघल चुका था, जिसकी हालत आप देख सकते हो। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि वीनस कितना गर्म है। अब वीनस आखिर इतना गर्म क्यों है, चलो मैं समझा देता हूं दोस्तों। वैसे तो वीनस को गर्म करने में बहुत सारी चीजों का हाथ है, लेकिन जो दो मेन चीजें वीनस को सबसे ज्यादा गर्म करती हैं, वह है वीनस का एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये तो आपको पता चल ही चुका है कि वीनस के पास सबसे थिक एटमॉस्फेयर है। तो जब सूरज की हीट वीनस के उस एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, तो वीनस का वो थिक एटमॉस्फेयर उस हीट को अब्सॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो कि वीनस को गर्म रखता है। और इसी तरह अगर दूसरी रीजन की बात करें, तो दूसरी रीजन थी कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.04 है,
और इसको भी हम बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन वहीं अगर हम वीनस को देखें तो वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज पूरे 96.5 है, यानी यूं समझ लो कि वीनस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और यही वजह है कि वीनस अंदर ही अंदर उबल रहा है। और तो और वीनस पर जो बादल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, जिसकी वजह से वीनस पर पानी की नहीं बल्कि तजब की बारिश होती है। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि वह बारिश कभी वीनस की जमीन तक पहुंचती ही नहीं। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि वीनस पर गर्मी 500°C से भी ज्यादा है, तो यही वजह है कि वीनस पर वह बारिश वीनस की जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती है और हवा में इवेपरेट हो जाती है, जो कि काफी अजीब बात है। खैर, यह तो हो गई बात वीनस के टेम्परेचर की, तो अब बात कर लेते हैं वीनस के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की, जैसे वीनस का साइज, इसकी रोटेशन और इसकी ग्रेविटी वगैरह वगैरह। तो अब अगर वीनस के साइज की बात करें तो ये मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि वीनस का साइज भी अर्थ के जितना ही है, जहां अर्थ का डायमीटर 1/742 किमी है, वहीं वीनस का डॉली अब भी 104 है, जो कि बस अर्थ से थोड़ा सा ही कम है। और यही वजह है कि वीनस और अर्थ दोनों की ग्रेविटी लगभग सेम ही है। दोस्तों, वीनस की ग्रेविटी अर्थ का 91 पर है, यानी अगर आपका वेट 100 kg है तो वीनस पर आपका वेट 91 kg होगा, जो कि बस थोड़ा सा ही है। ऐसे ही दोस्तों, अगर रोटेशन की बात करें तो वीनस की रोटेशन सबसे अजीब है। एक तो यह उल्टा रोटेट करता है और ऊपर से यह बहुत ही स्लो रोटेट करता है। जी हाँ दोस्तों, जहां सभी प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वहीं वीनस क्लॉकवाइज घूमता है, वैसे क्लॉकवाइज यूरेनस भी घूमता है। लेकिन यूरेनस का केस कुछ और है, जो कि मैंने अपनी यूरेनस वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो खैर, वीनस उल्टा घूमता है और यही वजह है कि वीनस पर सूरज ईस्ट से नहीं बल्कि वेस्ट से निकलता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि वीनस बहुत ही स्लो रोटेट करता है, तो यार ये इतना स्लो घूमता है कि वीनस पर एक दिन पूरे 243 दिनों के बाद आता है। और ऐसे ही अगर वीनस के एक साल की बात करें तो वीनस का एक साल 225 दिन का होता है, यानी इस हिसाब से वीनस का एक दिन वीनस के एक साल से भी ज्यादा बड़ा है। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये कितना स्लो रोटेट करता होगा। यह अपना एक रिवोल्यूशन तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ये एक रोटेशन कंप्लीट नहीं कर पाता। और यही वजह है कि वीनस की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है, क्योंकि अर्थ काफी फास्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से अर्थ के गिर्द एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। यानी अगर वीनस भी फास्ट घूमता तो यकीनन इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होती, क्योंकि वीनस के पास भी एक हॉट मेटेलिक कोर है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बस वीनस स्लो घूमता है और सिर्फ यही वजह है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे सोलर सिस्टम में 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें हम बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी आम आंख से भी आसमान में देख सकते हैं। ये प्लैनेट हमें ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई स्टार हो, और वीनस इन सभी प्लैनेट से में सबसे ब्राइट दिखता है। जी हाँ दोस्तों, मून के बाद अगर हमारे आसमान में कोई ऑब्जेक्ट सबसे ब्राइट है तो वो वीनस ही है। इनफैक्ट वीनस इतना ब्राइट है कि ये सभी स्टार्स से अलग दिखाई देता है। और वीनस की ब्राइटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब हमारा मून नहीं होता तो वीनस की रोशनी ही किसी भी ऑब्जेक्ट का साया बनाने के लिए काफी होती है। तो अब आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि वीनस इतना ब्राइट कैसे है, तो चलो मैं ये भी समझा देता हूँ दोस्तों। पहली बात है कि वीनस अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज है, वैसे क्लोज तो मार्स भी है लेकिन वीनस ज्यादा क्लोज है। और दूसरी बात है वीनस का एटमॉस्फेयर। जी हाँ दोस्तों, वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही घना होने की वजह से यह लाइट को वीनस के अंदर ज्यादा घुसने नहीं देता बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वीनस बहुत ही ब्राइट दिखता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक वीनस का एटमॉस्फेयर लगभग 70% से भी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और वीनस पर सन की सिर्फ 30% लाइट ही पहुंच पाती है। भले ही वीनस सन के ज्यादा करीब है, लेकिन वीनस पर सन लाइट अर्थ से भी कम पहुंचती है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वीनस का एटमॉस्फेयर है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। और दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि वीनस सबसे गर्म प्लेनेट है,
तो यही वजह है कि वीनस पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा वोल्केनो देखने को मिलते हैं। रीडिंग्स ये बताती हैं कि वीनस पर लगभग 8000 से भी ज्यादा वोल्केनो हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 1600 वोल्केनो के बारे में ही पता है, जो कि हाईली एक्टिव हो सकते हैं। तो अब दोस्तों हम ये जान चुके हैं कि वीनस कैसा है और इस पर क्या कुछ है, तो चलो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि वीनस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो वीनस का आज ये हाल है। तो दोस्तों वैसे तो इस बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है कोलिजन थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले वीनस के जितनी ही एक ऑब्जेक्ट वीनस से टकरा गई थी, जिसकी वजह से वीनस जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता था वो क्लॉकवाइज घूमने लगा, और जहां कभी अर्थ के जैसा एनवायरमेंट था तो वो जगह अब एक जहन्नुम बन चुकी है। खैर वो ऑब्जेक्ट जो वीनस से टकराई वो क्या थी, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। लेकिन हाल ही में की गई स्टडीज से ये पता चला है कि वीनस से जो चीज असल में टकराई थी वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी अर्थ ही थी, क्योंकि दोस्तों जो चीज वीनस से टकराई थी उसका साइज वीनस के ही जितना था। तो वीनस के जितना साइज किसका है ये आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।